आयुर्वेद की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये सब धातुओं में से बहुत इंपॉर्टेंट धातु आती है, और रस और रक्त जब उत्तरोत्तर बनते हैं, रस का अर्थ होता है अगर आप मॉडर्न या साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो जितनी हमारी बॉडी के अंदर रक्त होता है उसी के साथ साथ लिम्फ भी होता है। लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत प्रॉपर है, और साथ ही साथ जितना लिम्फ के ग्लैंड होते हैं उतने ही साथ में रक्त का रक्त और ये साथ साथ चलते हैं। रक्त की जहाँ बात आती है या जो ब्लड है, ब्लड की कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो उसमें WBCs होते हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो हमारी रोग की जितनी भी रोग होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो या इन्फेस्टेशन हो किसी भी तरह की, तो वाइट ब्लड सेल्स में हम बहुत ही ज़्यादा उत्तरोत्तर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम वृद्धि देखते हैं, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। जनरली जो लाई करता है 11 से 12, एक इसका यूनिट है 11 to 12 के बीच में नॉर्मल यूनिट्स में लाई करता है, जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है इन्फेक्शन के तौर पर तो ये आप ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आती है RBCs जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स वो होते हैं जो हमारे खून को एक तो रंगत देते हैं, पहली बात ये है, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जानी है उसकी सप्लाई के लिए हीम कंटेंट इसके अंदर होता है या आयरन कंटेंट इसके अंदर होता है। दूसरा आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं आप देखेंगे वो बाइंडिंग होते हैं बहुत तरह की प्रॉब्लम्स में, अगर आप देखेंगे तो जो ब्लड है वो अगर समस्या आ रही है तो प्लेटलेट्स का राइज या फॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ब्लड का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो भी है सीरम होता है, जो अगर आप देखेंगे प्लाज्मा और सीरम, इसके अंदर जो है प्लाज्मा, अगर आप सब चीज़ों को निकाल देंगे, जितने ब्लड सेल्स को निकाल देंगे आप देखेंगे जो बच जाएगा वो प्लाज्मा फ्लूइड होता है। प्लाज्मा क्लियर कलर्ड फ्लूइड होता है, और खून जो होता है एक टाइम के बाद स्टैंड करने के बाद प्लाज्मा अलग हो जाता है, ब्लड अलग हो जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो रक्त के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो भोजन है, क्योंकि रक्त को दूषित करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है आहार। आप किस प्रकार का आहार ले रहे हैं उस प्रकार से आप अपनी रक्त दुष्टि कर रहे हैं। रक्त दुष्टि के सिम्टम्स कैसे शुरू होते हैं आप देखेंगे, हमारा जो नेचुरल कलर होता है हर किसी के स्किन में एक कहते हैं पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब होता है एक हल्की सी एक पिंक कलर की एक आप कह सकते हो टेक्सचर होता है स्किन के अंदर जब वो बहुत हेल्दी होती है। वहीं अगर आप नॉर्मल टच करके भी देखेंगे, जब अपनी स्किन को आप प्रेस करेंगे थोड़ा तो एकदम से उसकी रंगत वापस आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि आपकी जो खून की संरचना है या खून का जो प्रवाह है आपके शरीर में बहुत प्रॉपर है। जब भी आपको लगे कि आप नेचुरल तरीके से हल्का पीलापन आ रहा है आपके चेहरे पर, या हल्का हरा सा दिख रहा है, या हल्की कोई भी आपकी कॉम्प्लेक्शन में कोई चेंज आ रहा है, कॉम्प्लेक्शन का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ चेहरे का ही रंग बदल रहा हो, चेहरे के साथ साथ शरीर की रंगत का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग ये करते हैं कि अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे वो हल्का काला पड़ रहा होता है या उसका कलर चेंज हो रहा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे शरीर में बाहरी जो है कैपिलरीज जो होती हैं उनमें रक्त का प्रवाह होता है, स्किन की परत बहुत पतली होती है वहां पर, उसके नीचे खून का प्रवाह होता है, तो जहां भी दुष्टि हो जाएगी रक्त की आप देखेंगे ये समस्या आ जाएगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप देखेंगे बहुत से लोगों को पेरिफेरल सर्कुलेशन, बाहर की जो ऑर्गन्स होती हैं, स्किन की सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो तो उनको नील जैसे पड़ जाते हैं, चकत्ते से हो जाते हैं, छोटे छोटे नील जैसे पड़ जाते हैं। पहले तो वो हल्के ब्लूइश हल्के आप देखेंगे रेडिश होंगे, उसके बाद थोड़ा नीला पड़ जाएगा और काला हो जाएगा उसके बाद, या डार्क पर्पल या बैंगनी रंग का हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर भी इन लोगों में रक्त दुष्टि हो रही होती है, किसी भी प्रकार की रक्त दुष्टि होती है। वहीं अगर आप और देखेंगे, अगर जॉइंट्स के आसपास रक्त दुष्टि हो रही है तो दाह आएगा, क्योंकि पित्त और रक्त उस समय मिश्रित होकर दुष्टि हो जाती है, तो दाह जैसे बर्निंग सेंसेशन होती है, आप देखेंगे जॉइंट्स के आसपास बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, और कई बार आप देखेंगे बहुत लालिमा हो जाएगी, वो जॉइंट बहुत सूज जाएगा या वो जगह बहुत सूज जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लड में वही होता है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, किसी तरह के प्रोटीन क्रिस्टल्स ज़्यादा हो गए हैं। और अगर आप रक्त दृष्टि की और भी बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है आप देखेंगे जो आपके रंग, जैसे आपके मुंह की जो म्यूकोसा है, जैसे खासकर आप मुंह के अंदरूनी जगह देखेंगे वो हल्के वाइटिश हो जाएंगे, वो पिंक कलर के नहीं रहेंगे, थोड़ा हल्का सफ़ेदी उनमें आना शुरू हो जाएगी, तो ये इंडिकेट करता है कि क्योंकि ये जो लेयर होते हैं इनमें डायरेक्ट ब्लड सप्लाई दिखेगी आपको, बहुत ही परत पतली सी है और नीचे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई है, तो बहुत ही अच्छे तरह से आपको दिखता है कि कोई ना कोई समस्या आपको आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर रक्त की दुष्टि हो रही है तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रक्त की दुष्टि में ये भी अर्थ होता है कि RBCs में भी प्रॉब्लम हो सकती है। RBCs में प्रॉब्लम है तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आप बिना वजह से हाँफने लग जाएंगे या बहुत ज़्यादा आप थकने शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर आप देखेंगे तो रक्त की कमी, अगर रक्त की कमी हो जाए तो आप देखेंगे कि आपको बिन वजह
आपका मन एक तो लेजी हो जाएगा, मन जो है और मस्तिष्क जो है वो बहुत बार, क्योंकि माइंड को, ब्रेन को सबसे बाद में ब्लड सप्लाई जाता है ऑक्सीजनेटेड। अगर आप देखेंगे आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, बहुत छोटी सी चीज़ है, आप सोचेंगे कि यार मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया, मैंने कहीं चाबी रखी थी मुझे याद नहीं रहा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये भी रक्त दृष्टि का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीका है। अगर आपको नोटिस कर लेंगे, आप जल्दी से पता लगा लेंगे, तो आप देखेंगे आप बहुत गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं आप कलर का, जो मैं बता रही हूँ स्किन का कलर चेंज होना, स्किन का कलर बहुत से स्किन कैंसर्स में एक बहुत ही शुरुआती लक्षण है जब स्किन का कलर चेंज होता है। फिर साथ ही साथ ये होता है कि अगर वो बहुत सफ़ेद होता जा रहा है तो भी इन्फेक्शन हो सकती है। फिर कहीं से भी अगर आपके रक्त में, अगर आपके मुंह से रक्त आ रहा है, नाक से रक्त आ रहा है, बेवजह, गर्मी नहीं हुई है, किस कुछ नहीं हुआ है, कई बार एयर कान से भी खून आ सकता है, मल से, मूत्र से, कहीं से भी जो ऑर्गन जहाँ से खून नहीं आना चाहिए अगर आपको लग रहा है, तो ये रक्त दृष्टि के बहुत बड़े लक्षण हैं। और आयुर्वेद में रक्त दृष्टि के बहुत सारे और ट्रीटमेंट हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, तो चर्चा तो आगे चलती रहेगी, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर ज्योति ने हमें दी है। अगर आपको इस तरह के लक्षण आपके या फिर आपके किसी भी परिवार के सदस्य में दिख रहे हैं तो उनका ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, हो सकता है वो इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित हो। आप इसके लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे डॉक्टरों से बात कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, सरिता नोएडा से जुड़ी है, बात करते हैं। हेलो हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्कार सरिता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बताएं क्या जानना चाहेंगी। मुझे मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है ज्योति से, और मुझे गुरुदेव जी से भी एक बात करनी है, मुझे दो बात करा देना आप प्लीज। जी ठीक है, आपकी दोनों से बात करा देते हैं, पहले आप डॉक्टर ज्योति से कर लीजिए, फिर हम गुरुदेव से। जी, कोहनी से नीचे और कलाई से ऊपर मेरे हाथ, जैसे काम करती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ, भारी बर्तन जैसे कुकर वगैरह माँजती हूँ, हाथ मेरे सूज जाते हैं। अच्छा, और ये कब से हो रही है आपको समस्या? ये कम से कम डॉक्टर साहब कम से कम 2 साल तो हो ही गए मुझे, जब से टाइफाइड हुआ जब से मुझे ये महसूस होता है। ठीक है, और कहीं जो जॉइंट है, खासकर जो हथेली है, उसके पास कहीं दर्द भी होता हो आपको? नहीं, सूजन आ जाती है, मतलब कलाई से ऊपर और कोहनी से नीचे। ठीक है जी जी, और उसके अलावा कभी आपको कंपन भी तो नहीं होता, ग्लास पकड़े हुए कभी हाथ भी कांपते हो? ना ऐसे, मतलब जैसे बगल का काम करती हूँ, जैसे गेहूँ वगैरह फटकती हूँ, कुछ काम करती हूँ, सब कांपते हैं हाथ मेरे। अच्छा, आपकी उम्र क्या है सरिता जी? मेरी उम्र है 57। कोई और आपको समस्या, थायराइड, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, कोई और समस्या? कुछ भी नहीं है। जी जी, सरिता जी देखिए, जैसे आपने बताया टाइफाइड बुखार है, हम आयुर्वेद में इसको जीर्ण ज्वर भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे आपको बुखार होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि टाइफाइड जो है ये एक तरह का बुखार इसलिए कहा जाता है, लंबे समय तक रहता है, क्योंकि वो हमारी बोन्स तक, हमें कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा वात की वृद्धि कर देता है, साथ ही साथ हमारी बोन्स में स्थित रह जाता है बहुत लंबे समय तक। और बहुत बार ये होता है कि हम, खासकर आपने देखा होगा, जब भी टाइफाइड हो जाता है तो लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और साथ ही साथ कई बार अगर उनको ज्यादा बुखार है तो एंटीबायोटिक बुखार कम करने वाली दवाई ले लेंगे, लेकिन कॉज जो है, कारण जो है, वो ठीक नहीं होता है। कारण के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, क्योंकि इसमें आपकी जो मांसक्षय, तो मांसक्षय हो रहा है, साथ ही साथ जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बहुत वीक हो रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि एकदम से छूट जा रहा है तो आपकी ग्रिप नहीं बन पा रही है। इसमें क्या होता है, मांसक्षय होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि हमारी मसल्स जब डीजनरेट होती हैं, जो हमारी मांसपेशियां धीरे 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 वीक होती जाती हैं, तो हमारी ग्रिप कम होती जाती है। आप देखेंगे कि अगर आप कुछ कस के पकड़ना चाहेंगे तो दोनों हाथों में बहुत डिफरेंस होगा, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि थोड़ा ज्यादा जोर लग सकता है, जिस हाथ में ज्यादा प्रॉब्लम है उसे कम धीरे से आप पकड़ पाएंगे उस चीज को, इसलिए ज्यादा वजन की जब आप चीज उठाती हैं तो वो गिर जाती है। आपने क्या करना है, पहले तो आपने ना जो कलाई है, जो भी सिंपल, ये नहीं है कि सिर्फ कलाई, क्योंकि शुरुआत अभी आप हाथ से वजन उठाती हैं इसलिए आप ज्यादा ध्यान दे पा रही हैं, लेकिन ये समस्या आपके पूरे शरीर में हो रही है। आपने क्या करना है, एक तो जब भी आप स्नान करने जाएं तो आप एक महानारायण तेल आता है, महानारायण तेल जो है वो आपने ज़रूर अपनी बॉडी पे लगाना है, उससे क्या होगा कि जितनी वात जो है उसको शमन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आपने क्या करना है, अच्छे से तेल लगाना है, लगाने के बाद आपने गुनगुने पानी से स्नान करना है, चाहे मौसम सर्दी का हो गर्मी का हो, आप हमेशा गुनगुने पानी से स्नान कीजिए। दूसरा आपने क्या करना है, हम यहाँ से ऑर्थो रिलीफ ऑयल की बार बार बताते हैं, ऑर्थो रिलीफ ऑयल सिर्फ जॉइंट पेन के लिए नहीं है, ऑर्थो रिलीफ ऑयल जितनी तरह की मसल डिफॉर्मिटी होती है, मांस क्षय जब हो रहा है शरीर का, साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है आपका, उसके लिए ऑर्थो रिलीफ कैप्सूल्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। आप दिन में इसको एटलीस्ट 2 बार लीजिए, 2 महीने तक, उसके बाद 1 कैप्सूल कर दीजिए और 6 महीने तक इसका प्रयोग करिए। साथ ही साथ आपने एक और कोशिश करनी है कि आपने गिलोय का सत लेना है, गिलोय की टैबलेट मत लीजिएगा, सिर्फ सत लीजिएगा उसका, सत को आपने 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आपने शहद के साथ लेना है, दिन में 3 बार लीजिएगा खाना खाने के बाद, और इस प्रयोग को 3 महीने तक लगातार करिएगा।
खाने में बहुत ठंडी चीज़ें मत खाइएगा, फ्रिज से निकली हुई चीज़ें मत खाइएगा, बहुत खट्टी चीज़ें मत खाइएगा। इनका परहेज करिए, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे।